Hello, 6th class. Today we are going to continue our second chapter of history, and chapter name is Early Women. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel, Schooli Gyan. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले डिस्कस और बात कर चुके हैं, मैंने बताया भी अभी जस्ट कि अलग अलग डिफरेंट थिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स के बारे में कि कौन कौन से एनिमल्स वो लाइक डोमेस्टिक के रूप में काम में लेते थे या डोमेस्टिक के रूप में पालते थे। इसके साथ साथ हम लोग बात करें कि लाइक वो एक जगह उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था और डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट काइंड के जो बोल सकते हैं हंटिंग टूल्स काम में लिए जो डेली लाइफ में उनके काम में आते थे। और उसी के बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन भी लाइक आपको दिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि एक यहाँ पे जो बोला गया यहाँ पे पर्टिकुलर थिंक करने के लिए कि डिड द इन्वेंशन ऑफ न्यू टूल्स चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली वुमेन्स इन एनी वे। मतलब क्या बोला कि क्या जो इन्वेंशन किए थे नए नए टूल्स के वो अर्ली वुमेन्स की लाइफ में चेंजेस या बोल सकते बदलाव ला सके, और बदलाव लाया तो क्या बदलाव लाया या फिर किस तरह के बदलाव देखने को मिले। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है और इसी के बारे में मैंने कहा था सोचने के लिए। तो मे बी आप लोगों ने सोचा होगा और मे बी जिसने सोचा है या आंसर पता लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या आंसर जो है वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है या नेक्स्ट जो टॉपिक है न्योलिथिक एज। अब न्योलिथिक एज पे हम लोग बात करें तो एक तरह से ये स्टोन एज की लास्ट एज है या लास्ट बोल सकते हैं लाइक स्टेप है या लास्ट पार्ट है स्टोन एज का, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके बारे में कि स्टोन एज इस टाइम पे क्या थे लाइक काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। मतलब इस टाइम पे अर्ली मेन्स का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, विकास हो चुका था, और उसी के बेसिस पे जो है नए नए इन्होंने टूल्स इन्वेंशन किए थे। ये हम इससे पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं और वीडियो में देख चुके हैं। अब देखते हैं हमारे लाइक मेन पैराग्राफ कि इसमें क्या बताया गया है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स मतलब न्योलिथिक एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो मतलब इसमें मेन जो देखने को मिला वो कौन सा डेवलपमेंट देखने को मिला, टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी रूप से जो विकास हुआ था वो। तो आगे पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं हमारा, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन लाइक एक्स बोल एंड एरो एंड स्पीयर हैव बीन फाउंड एट द साइट लाइक। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वहाँ पे टूल्स देखने को मिले एज अ डेवलपमेंट या जो उनका विकास किया गया। एक्स तो एक्स जो आप लोग सब जानते हैं, एक्स मीन्स क्या होता है आपके कुल्हाड़ी, बो मतलब होता है जिसको बो एरो जो दोनों को एक साथ बोला जाता है धनुष बाण। ठीक है, फिर स्पेयर जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक पर्टिकुलर हंटिंग टूल्स के रूप में काम में आता है। तो ये सारे सारे उन साइट्स पे देखने को मिले या उन जगह पे देखने को मिले जिनका अब नाम या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है मेहरगढ़ जो कि कहाँ है पाकिस्तान में, फिर सेकंड क्या है बरजाम और गर्वकल, ये दूसरी साइट थी जहाँ पे ये सारे टूल्स देखने को मिले। जो कि पर्टिकुलर जो स्टेट की बात करें तो किस में आता है या प्लेस की बात करें हम लोग तो वो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड जो है वो क्या दिया हुआ है मौसकी और पिकेहाल जो कि लाइक कहाँ पे कर्नाटक का। दूसरा अगर हम लोग आगे लेके चलें या आगे जो बात करें डिस्कस करें कि और कौन सी साइट थी जहाँ पे ये टूल्स देखने को मिले, एंड चिरान, ठीक है कहाँ पे चिरान जो कि बिहार में पड़ता है। तो ये प्लेसेस थे या साइट्स थे जहाँ पे डेवलप या टेक्निकल जो डेवलपमेंट देखने को मिला स्पेशली अर्ली मेंस के जो टूल्स थे उनके अंदर। द टूल्स इन दिस पीरियड वर शार्पर देन दोज फाउंड इन मेसोलिथिक एज एंड वर इवन पॉलिश टू स्पार्कल। ठीक है, क्या बताया गया कि हम लोग इससे पहले वाले पैराग्राफ में और पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि लाइक उस टाइम के टूल्स काफ़ी शार्पर थे, स्मॉलर थे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं लाइक हैंडल थे, मतलब उसको इजी गोइंग हैंडल कर सकते थे या पकड़ सकते थे। अब जो टूल्स हैं वो उनसे भी ज़्यादा क्या है डेवलप हैं या काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं लाइक टेक्निकल बेसिस पे उनका डेवलपमेंट किया गया था। वो भी शार्पर थे लेकिन उनसे ज़्यादा शार्पर या उनसे ज़्यादा नुकीले या धारदार कौन से थे, ये वाले जिसमें हम बात करें न्योलिथिक एज के अंदर। इसके अलावा क्या बताया गया, इन टूल्स को पॉलिश किया जाता था, मतलब इनके ऊपर पॉलिश की जाती थी ताकि क्या हो इस पर चमक रहे या बोल सकते हैं इन पर चमक बनी रहे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो इस एज के अंदर इस युग के अंदर जो देखने को मिला मेन इन्वेंशन जो प्रमुख जो इनकी खोज थी वो क्या थी, व्हील, मतलब जो इन्होंने टायर या बोलते हैं पहिए की खोज करी थी वो। आगे नेक्स्ट वाली लाइन देखते हैं, बट वी
नो लिटिल अबाउट द हाउ द डिस्कवरी, मतलब हम लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ा बहुत जानेंगे कि यार कि ये कैसे इन्होंने खोज करी थी या कैसे उन्होंने फाइंड किया था या इसके बारे में कैसे ये लोग खोज कर पाए थे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली लाइन। हाउ एवर द व्हील्स चेंज द लाइफ ऑफ द अर्ली वुमेन्स। अब अर्ली मैंस की जो लाइफ थी वो कैसे चेंज हो गई, जब पहिए की इन्होंने खोज करी या बोलते हैं टायर की इन्होंने खोज करी उस टाइम पे। विद द यूज ऑफ व्हील ट्रैवल वॉज फास्टर, हैवी ऑब्जेक्ट्स कुड बी द ट्रांसपोर्टेड मोर इजीली। मतलब इनकी कैसे चेंज हुई लाइफ, पहली चीज़ तो ये क्या दिया हुआ है कि ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने व्हील्स को कैसे एज ए ट्रेवल के रूप में, और इसके अलावा ट्रैवल मतलब कैसे फास्टर, मतलब पहले तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल तो किया करते थे लेकिन कैसे पैदल पैदल, जैसे नॉर्मल हम बोले वॉक करते हुए। ठीक है, फिर दूसरा बोला गया हैवी ऑब्जेक्ट्स, जो भारी जो भरकम सामान हुआ करता था वो लोग आसानी से एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने लगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। फिर नेक्स्ट बोले हम लोग, तो ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो लाइक ट्रेवल करना, ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी प्लेस ले जाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी लाइफ को काफ़ी इजी बना दी थी या काफ़ी स्मूथ बना दिया था अर्ली मैंस की। और ये सारा किस कारण हो पाया था, इन्होंने जब व्हील की इन्वेंशन करी थी या पहिए की खोज करी थी तब। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाली लाइन। द व्हील ऑल्सो इम्प्रूव द पॉटरी मेकिंग। पॉटरी मेकिंग मतलब मटके वगैरह बनाना, जिस पे इसीलिए कुम्हार वगैरह बनाते हैं या कुम्हार जो मटके बनाते हैं स्पेशली उनकी बात करेंगे हम लोग। तो उस टाइम पे जो अर्ली मैंस थे वो पॉटरी या मटके वगैरह बनाया करते थे, जो कि अर्दन पॉट हुआ करते थे, मतलब मिट्टी के जो हुआ करते थे, तो वो भी बाद में किससे व्हील वगैरह मतलब पहिए के थ्रू बनाना स्टार्ट किया। जो आपने कभी कभी मूवीज में देखा होगा या फिर रियलिटी में भी देखा होगा कि लोग मटके बनाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर घूमता हुआ जो व्हील होता है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, उसे शेप देते हैं, उसे बनाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन। विद द हेल्प ऑफ द फायर एंड द व्हील क्ले पोट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कुड बी मेड एंड द बेक्ड इन द लेस टाइम देन बिफोर। ठीक है, मतलब व्हील के थ्रू इन्होंने क्या किया, फिर फायर तो इन्होंने ऑलरेडी खोज कर ही ली थी, फिर इन्होंने व्हील और के थ्रू क्या किया, उन पोर्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट साइज में बनाना स्टार्ट किया, और साथ साथ में फायर के थ्रू उन पोर्ट्स को जिसमें जो कच्चे हुआ करते थे उन्हें पका के और काम में लेना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा जब भी कुम्हार क्या करता है मटके बनाते हैं तो स्टार्टिंग में वो कच्चे होते हैं, फिर वो उनको क्या करता है आग के अंदर ले जाके फायर में रख के उसे क्या करता है पकाता है। ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं बेक्ड करना, और उसके पकाने के बाद में वो हमें सेल करता है या वैसे मार्केट में उसे बेचता है। लेटर पोस्ट ऑल्सो केम टू बी ग्लेज्ड एंड द डेकोरेटेड। अब बात करें पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब हम लोग जानते हैं एक तरह से हम लोग गमले बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो गमले पोर्ट्स किसको बोलते हैं, गमलों को। तो वो गमले जो थे लाइक एज अ ग्लेज्ड डेकोरेटेड, मतलब कहने में काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर पेंटिंग और कलरफुल जो है एक तरह से, जो आज भी देखते आए हैं कि हमारे सामने जो भी गमले जो देखने को मिलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से या अलग अलग वे में जो है जो देखने को मिलते हैं, चाहे वो शेप्स में देख लो, चाहे डिज़ाइन में देख लो, चाहे उन पर कलर में देख लो। तो वैसे ही सेम ये स्टार्ट हो गया था कहाँ पे, न्योलिथिक एज के अंदर। फिर आता है बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, लाइक कहाँ वो रहते थे, क्या खाना खाते थे, कौन से एनिमल्स को पालते थे, क्या उन्होंने इन्वेंशंस किए। अब उसके साथ साथ जब उन्होंने सब कुछ एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, सेटलमेंट हो गया एक जगह, तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट करी। तो अब लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी का बोल सकते हैं प्रारंभ करना या खेती बाड़ी स्टार्ट करना। दिस पीरियड शो द स्टार्ट ऑफ फार्मिंग, मतलब ये जो पीरियड था इसके अंदर क्या देखने को मिला, फार्मिंग मतलब जो खेती बाड़ी बोले हम लोग, या इस टाइम पे इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। इट इज़ अ पॉसिबल दैट थ्रोन सीड्स मे हैव द स्प्राउटेड एंड द प्लांट्स ग्रू फ्रॉम दैम एंड द ह्यूमन ऑफ द न्योलिथिक एज नोटिस्ड दिस। मतलब क्या हुआ, गलती से ही मान लो या फिर बोल सकते हैं अनजाने में ही, कि इन्होंने क्या किया कि जो बीज हुआ करते थे, सीड्स हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया जमीन पे फेंक दिया, थ्रो कर दिया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रूट इन्होंने खाया जिसमें सीड या बीज हुआ करते थे, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि उन्होंने उसको ज़मीन पे फेंक दिया। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो उन्होंने ज़मीन पे बीज फेंके थे उन बीज से या उन सीड से क्या हुआ, एक नया प्लांट ग्रो किया या उगा। तो जब ये नोटिस में आया तो उन लोगों के दिमाग में थोड़ा सा लाइक ब्लिंक हुआ, या उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि अगर हम लोग ये अनजाने में सीड्स फेंक के अगर ग्रो कर सकते हैं तो हम लोग इसे जानबूझ के एक पर्टिकुलर प्लेस पे लाइक बो करके या प्लग करके हम लोग क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी के बेसिस में इन्होंने नोटिस करके आगे का क्या हुआ लाइक स्टेप लिया या आगे का प्रोसेस इन्होंने लागू किया। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रोसेस था। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, सिकल्स वर फाउंड एट मेनी साइट्स,
सजेस्टिंग दैट हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स वॉज डन. सिकल्स सिकल्स क्या होता है अगर हम लोग बात करें सिकल्स के, तो इसका मीन्स होता है एक तरह से हंसिया. और हंसिया मतलब होता है जिसमें जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जब क्रॉप लग जाती है, फसल पूरी कंप्लीट उग जाती है, तो उसे काटने के रूप में या उसे जो फील्ड खेत से अलग करने के लिए जो काम में लेते हैं, तो वो होती है हंसिया. तो यहाँ पे बोला गया कि कई साइट्स कई जगह पे वो भी देखने को मिली जो स्पेशली हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब कि फसल को काटने के लिए या फसल को फील्ड से अलग करने के काम में आती थी. वीट एंड द बार्ले वर द फर्स्ट क्रॉप टू हैव बीन ग्रोन. अब यहाँ पे बताया गया वीट और बार्ले जो थी, यहाँ पहली क्रॉप थी या पहली फसल थी जो यहाँ पे लगाई गई थी. विद दिस अर्ली वुमेन वेंट फ्रॉम बींग हंटर गैदर टू कल्टिवेटर्स. मतलब यहीं से हम लोग बोल सकते हैं अर्ली में जहाँ पे पहले हंटर शिकारी हुआ करते थे, वहाँ से क्या बने गैदर्स मतलब इकट्ठा करने वाले, इकट्ठा करने वाले से कल्टीवेटर मतलब जिसको बोल सकते खेती बाड़ी करने वाले. मतलब इनका डेवलपमेंट बताया गया है कि पहले शिकारी थे, फिर इन्होंने शिकार करके ही इकट्ठा करना स्टार्ट किया, फिर तो थर्ड स्टेप देखने को मिला कि वो किस में चेंज हो गया, कल्टीवेटर में, मतलब एक तरह से खेती बाड़ी एग्रीकल्चर के अंदर चेंज हो गया. दिस चेंज ऑल्सो अलाउड फॉर अ मोर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल. नो लॉन्गर वॉज देयर द नीड फॉर नोमेडिक लाइफ. इट इज़ पॉसिबल दैन दैट द डिविजन ऑफ लेबर. मतलब ये जो चेंज था, ये जो बदलाव हुआ, वो क्या देखने को मिला कि उनकी लाइफ स्टाइल जो उनका रहने के तौर तरीके थे उसमें चेंजेस हो गया, बोल सकते उसमें बदलाव हुआ. मतलब कहने का मीन्स वो क्या हो गया कि इनमें डेवलपमेंट देखने को मिला. और इन्हें जो नोमेडिक लाइफ थी, एक तरह से आदिवासी जो जीवन था या अलिमेंट्स वाली जो लाइफ थी, वो उसको ज़्यादा टाइम तक ये उसको नहीं रख पाए, एक तरह से ख़त्म हो गई वो लाइफ. और इसके अलावा उन्होंने अपना जो डेवलपमेंट था डिफरेंट डिफरेंट वेज में किया, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो एनिमल्स रखना हो, चाहे उनका रहने के तौर तरीके हो, चाहे उनके टूल्स हो या खेती वगैरह करना. अब नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल दैन दैट डिविजन ऑफ लेबर स्लोली बिगेन. और ये सब चीज़ें का पॉसिबल हो पाई जब जो लेबर था या मजदूरी बोले, ये उनका जो काम करने का तरीके थे उनका डिवाइड किया गया या उनको अलग अलग विभाजित किया गया, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया. Men took care of agriculture, hunting and weapons making, while the women would perhaps have look after the house and the children. ठीक है, मतलब इसमें क्या लेबर डिवीजन किया गया कि जो मैन जो पुरुष हुआ करते थे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, इसके साथ साथ शिकार किया करते थे और वेपन मेकिंग मतलब हथियार बनाने के काम किया करते थे. वहीं पे हम लोग वुमेंस महिलाओं की बात करें तो वो क्या करती थी, लुक आफ्टर द हाउस मतलब घर की देख रेख किया करती थी, इसके साथ साथ बच्चों की देख रेख किया करती थी. फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, वी विल लर्न मोर अबाउट द अर्ली फार्मर इन द नेक्स्ट चैप्टर. अब अर्ली बोल सकते हैं मैन के साथ साथ हमने डिस्कस जो करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, अर्ली फार्मर्स, और वो डिस्कशन किस में होगा, नेक्स्ट वाले चैप्टर में. तो मतलब कहने का मीन्स इसमें हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, एक अर्ली मैन से मतलब का आदि मानव से लेके कहाँ तक पहुँच गए हम, डेवलपमेंट का एग्रीकल्चर तक, मतलब वहाँ के किसान जो कि लाइक पर्टिकुलर अर्ली मैंस की हम लोग बात करेंगे. और तो उन किसानों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगाई, जिसमें हमने डिस्कस भी किया मेनली दो क्रॉप्स उस टाइम पे ग्रो की गई थी, एक तो वीट थी और बार्ले. अब आगे हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, अर्ली फार्मर्स के बारे में. ठीक है, तो स्टूडेंट आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है. थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो. और फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप से मैं टेक्स्ट करके या डायरेक्ट बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट.